हाय एवरीवन बच्चों, आज हमारा टॉपिक है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो हमें ऑब्टेंड होती है वेव मैकेनिक्स से, उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज़ इलेक्ट्रॉन क्लोड रिप्रेजेंटेशन, जो हम कर चुके हैं। नंबर 2 इज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, वो भी हम ले चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। तो ये एक मोर अप्रोप्रिएट वे है, एक बहुत सही तरीका है एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड पाने का, उसको फाइंड करने का। अब जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की एक यूनिट वॉल्यूम में, वो कैसे दी जाती है, साई स्क्वायर से, इज गिवन बाय द क्वांटिटी साई स्क्वायर। जबकि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है वो कैसे दी जाती है, बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद ए स्मॉल रेडियस अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं एक कंसीडर द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का केस कंसीडर करते हैं हम इन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब जो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस, जो ये जो स्पेस है इस न्यूक्लियस के अराउंड, वो डिवाइडेड की गई है इनटू वेरी लार्ज नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, जिनका सेंटर सेम हो। ठीक है, तो इनमें डिवाइड करी गई है। अब जो वॉल्यूम है स्फेरिकल शेल का बिटवीन रेडियस आर एंड आर प्लस डी आर विल बी गिवन बाय डी आर, यहाँ पे है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और आर क्या है रेडियस, विल बी गिवन बाय 4πr² dr। ये आपको तो कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद जो टोटल प्रोबेबिलिटी है उसी को हम बोलेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी। और किसी भी शेल में ये इक्वल होती है वॉल्यूम ऑफ शेल, जो प्रोडक्ट होता है वॉल्यूम का, शेल के वॉल्यूम का, उसके बराबर जो प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम उस शेल के अंदर होती है, डेट इज़ जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ शेल इन टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ शेल यहाँ पर आपको दिया हुआ कि कितना होता है 4πr² dr, और इनटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किसके बराबर है, यहाँ बताई गई है कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की यूनिट वॉल्यूम है, वो साई स्क्वायर क्वांटिटी से दी जाती है। तो यह साई स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसी को इक्वल करके लिखा हुआ है 4πr², और साई स्क्वायर को इधर ले आए और डी आर को इधर ले आए, इसी को रीअरेंज करा है। अब जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की, जो हमें तब मिलती है बाय प्लॉटिंग द फंक्शन, किसको हम प्लॉट करते हैं, 4πr² इस साइड और अगेंस्ट रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस इस साइड। अब जो रेडियल डेंसिटी से कुछ ऑर्बिटल के लिए, हाइड्रोजन के लिए, वो दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर अब आप इन सबको कैसे समझोगे, बहुत इजी तरीके से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इनको अच्छे से ड्रॉ भी कर पाएँ। देखो, 1s के लिए है, 2s के लिए है, और 3s के लिए है, 2p के लिए है, 3p के लिए, और 3d के लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ ऐसे सबसे पहले ये वाला ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ आपको क्या लिखना है, इस साइड 4πr² साई स्क्वायर डी आर, और यहाँ पर r सबके लिए कॉमन है। ठीक है, अब s के लिए क्या है, ए एस ई आर, एक मतलब ये वाला s एक पीक है, एक सिंगल पीक है, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है, और l जो है वो अज्यूम मतलब 0 है, और ये 1s जो है ऑर्बिटल है। ठीक है, एक पीक मिली 1s में। अब 2s में देखें तो हमें 2 पीक्स मिलती हैं। ठीक है, एक पीक ये और एक पीक ये, मतलब एक ये वाली पीक और एक ये वाली पीक। ठीक है, 2 पीक्स मिलती हैं। और जो मतलब
जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ी है वो न्यूक्लियस से दूर है, और जो छोटी पीक है वो न्यूक्लियस के पास है। अब यहाँ पर आपको एक ट्रफ दिख रहा होगा नीचे, ये वाला क्रिस्ट, ये ऊपर वाले होते हैं ट्रफ, ये हो गया क्रिस्ट, ये हो गया ट्रफ, जो जिगजैग में जो वेव एक ट्रैवल करती है, प्रोपोगेट करती है, वैसे करती है। तो ये जो ट्रफ है ये आपका है रेडियल नोड। तो यहाँ पर 2s 1s में कोई भी रेडियल नोड नहीं है, 2s में एक रेडियल नोड है, ठीक है। अब है हमारे पास 3s, 3s में देखो 1 2 3 तीन पीक हैं, और हमारे पास रेडियल नोड कितने हैं, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद 2p में देखा जाए तो यहाँ पर देखें, 2p में एक ही हमारे पास पीक है, ठीक है, 1s की तरह, और कोई भी रेडियल नोड नहीं है। उसके बाद 3p में देखें तो 2 पीक्स हैं और एक रेडियल नोड है, और फिर उसके बाद 3d में देखें तो एक ही पीक है, कोई भी रेडियल नोड नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखनी है और याद रख के ड्रॉ करनी है कि इसमें कितनी पीक्स थी, कितने रेडियल नोड थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें आप, इस फिगर से हमें क्या रिवील होता है, क्या पता चलता है कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी कॉरेस्पॉन्ड करती है मिनिमम नियर द न्यूक्लियस एज द वॉल्यूम ऑफ द शेल नियर द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, है ना, कि जो शेल के पा जो न्यूक्लियस के पास जो शेल का वॉल्यूम है वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, और एट द न्यूक्लियस जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो है, देयर फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी वो भी ज़ीरो होगी, ठीक है। जैसे ही हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी बढ़ती रहती है और मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचती है एक सर्टेन डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से, और तब दोबारा डिक्रीज होना शुरू हो जाती है ग्रेजुअली। अब जो मैक्सिमा है वेव कॉरस इन द कर्व, वो कॉरस्पॉन्ड करता है रेडियस ऑफ मैक्सिमा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, R0 इन हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ मतलब शो हो रहा है इन कर्व में ये कि पहले प्रोबेबिलिटी शुरू शुरू में इंक्रीज़ करती है, फिर मैक्सिमम पहुँचती है, फिर धीरे धीरे दोबारा से डिक्रीज़ करने लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो फ्रॉम द ग्रोव 1.7 इट इज़ क्लियर कि फिर एस ऑर्बिटल के जो नंबर ऑफ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रीजन है वो एन है, और नंबर ऑफ नोड्स को आप कैसे निकालोगे, n-1, ठीक है। तो 1-1 तो 0, यहाँ पर 0 नोड है ना। उसके बाद फॉर PR ऑर्बिटल जो नंबर ऑफ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रीजन है वो n-1 है, तो यहाँ पर n कितना है हमारे पास, 2, तो PR ऑर्बिटल के लिए तो 2-1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 3p में एक नोड हमारे पास है, ठीक है। इसी तरह DR ऑर्बिटल के लिए क्या है, n-2 है, तो अब 3 जो यहाँ पर 4d दिखाया हुआ है, यहाँ पर 3d था लेकिन यहाँ पर 4d है, तो 4d के लिए देखो हमारे पास 2 पीक्स हैं, एक नोड है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम करेंगे n-2 तो 3-2 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो n-3 भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ ये भी कर सकते हैं, n-2 n-3, ठीक है। अगर हम 4d के लिए n की वैल्यू 4 लेंगे तो n 4-3 तो ये 1 के बराबर आएगा। एफ ऑर्बिटल के लिए जो हमारे पास n की वैल्यू है वो 4 है, तो 4-4 तो ये 0 है, तो यहाँ पर कोई भी नोड आपको नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।